नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दौसा का लाल शहीद, आतंकियों से लोहा लेते समय सूबेदार भूप सिंह हुआ शहीद, गांव में शोक की लहर। ICC के महासचिव बनने पर अशोक गहलोत का एयरपोर्ट पर स्वागत। महासचिव बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे गहलोत। गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। धौलपुर में अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत, चार घायल, कार ने बाइक को मारी टक्कर, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। जालौर के एलाना गांव में ससुराल वालों ने की दामाद की हत्या, पुलिस ने कुएं के पास से शव किया बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया, जिसमें एक कैप्टन समेत तीन जवान शहीद हो गए और पांच सैनिक घायल हुए। सेना की जवाबी कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकी ढेर हुए। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक आतंकियों ने आज सुबह 4 बजे कुपवाड़ा के चौकी बल स्थित पंचगांव में सैन्य शिविर पर हमला बोल दिया। हमले में कैप्टन आयुष यादव, JCO और एक जवान शहीद हुए। घायल सैनिकों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई और आतंकी शिविर में तो नहीं घुस आया है। हाल ही में कुछ समय पहले भी जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में CRPF कैंप पर हुए ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से 4 बार भाजपा के सांसद रहे विनोद खन्ना के निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। विनोद खन्ना 2002 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी रहे। खन्ना के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कलाकारों ने शोक जताया है। खन्ना ने पहली बार 1997 में चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान स्थित पेशावर में हुआ। विनोद खन्ना को 1968 में सुनील दत्त ने फिल्म मन का मीत में खलनायक का रोल देकर लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने पांव जमा लिए।
अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। कुछ वर्ष के फिल्मी संन्यास के दौरान वो आचार्य रजनीश के अनुयायी बने। इसके बाद फिर उन्होंने राजनीति और फिल्म की पारी एक साथ खेली। बारां के शाहबाद कस्बे के देवरी में एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि मुख्य बाजार में किराए से रहने वाली दीप्ति शर्मा ने रसोई में लगे पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका पिछले एक साल से टीबी से पीड़ित थी। पति संजय ने इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारां के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना में औगाड रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी रतन सिंह भाटी ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को कस्बा थाना अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमले में प्रदेश के दौसा का लाल शहीद हो गया है। हमले में शहीद सूबेदार भूप सिंह गुर्जर जिले के बड़ागांव खेड़ला के रहने वाले थे, जो कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए। शहीद की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई और शहीद के घर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शहीद के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर उनके समर्थकों ने उनका जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। गहलोत समर्थकों ने उन्हें एयरपोर्ट पर मालाओं से लाद दिया और एक काफिले के साथ उनके साथ नारेबाजी करते हुए जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। गहलोत ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं ये उन पर ही निर्भर करता है। झालावाड़ जिले के अकलेरा में घरौंदा योजना के तहत 350 से भी ज्यादा मकान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। घरौंदा योजना में बने मकानों को 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इनका आवंटन नहीं होने से अब ये सभी जर्जर हो चुके हैं। वैसे तो सरकार ने घरौंदा योजना के तहत सभी घरों में रसोई, शौचालय, बाथरूम सहित सभी सुविधाएं दी थी, लेकिन समय पर इनका आवंटन नहीं होने से ये नशेड़ियों के हत्थे चढ़ गया है। शराबी और स्मैक पीने वाले लोगों ने इन घरों से लोहे, बिजली और कई सामान चुरा लिया है, यहां तक कि पेयजल लाइन तक को नहीं छोड़ा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है कि ये योजना किसी गरीब का आशियाना नहीं बन पाई, लेकिन आसपास के लोगों के लिए सरदर्द जरूर बन गई है। प्रशासन इसे कम से कम नशेड़ियों से मुक्त कराकर गरीबों में आवंटन करे तो ये बच सकेंगे। सरकार ने शिक्षा को लेकर आरटीआई कानून बनाया ताकि गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। इसे लेकर सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित सीटों पर आरटीई एक्ट के तहत निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान रखा। इसमें निजी स्कूलों को भी निर्धारित सीटों पर बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया, लेकिन एक्ट में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस दौरान स्कूल संचालक स्कूल बंद कर दे तो आरटीई के तहत बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसी उधेड़बुन के शिकार कुछ अभिभावक अपने हक के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही एक मामला बालूतरा के निजी स्कूल का सामने आया है।
बालकृष्ण पुत्र रतनलाल श्रीमाली निवासी बालोतरा ने अपनी पुत्री जनीशा दवे को 2013 में नवकार किड्जी में आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश दिलवाया। 3 वर्ष लगातार अध्ययन के बाद विद्यालय समिति ने मनीषा के अभिभावकों को 35,000 रुपए फीस के जमा करवाने को कहा, जबकि आरटीई के तहत कक्षा 8 तक के बच्चे को निशुल्क शिक्षा दी जानी थी। वर्तमान सत्र में स्कूल में एक नोटिस जारी कर सभी अभिभावकों से सूचित किया गया कि स्कूल बंद की जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस स्कूल में डीपीएस नवकार शिक्षण संस्थान के नाम से स्कूल संचालित करना शुरू हुआ है। वो आरटीई के तहत चयनित इस बालिका को विद्यालय में नहीं रखना चाहते हैं। अभिभावकों ने इस संबंध में आरोप लगाया कि विद्यालय प्रशासन बच्चे के साथ शुरू से ही भेदभाव करता आया है। स्कूल में होने वाली गतिविधियों में भी इस बच्ची को भाग नहीं लेने दिया जाता था, ऐसे में बच्ची ये शैक्षणिक गतिविधियों में पिछड़ने लगी है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मेरी बच्ची का एडमिशन 2014-15 में नवकार किड्जी में हुआ था, आरटीई में। अभी नवकार किड्जी वालों ने डीपीएस बना दिया, तो नवकार किड्जी वाले जितने भी आरटीई के बच्चे थे सबको बाहर निकाल दिया और अब बोल रहे हैं 37,000 रुपये फीस दो तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपके बच्चों को बाहर निकाल दिया। सबको नोटिस दे दिया कि स्कूल से टीसी ले जाओ। धौलपुर में अलग अलग हुई 2 दुर्घटनाओं में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से डॉक्टर मंगल से चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार पहला हादसा शहर के बसेड़ी रोड पर कार और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत से हुआ और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य बाइक सवार घायल हो गए। दूसरा हादसा देहौली मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट जाने से हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और कार को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूचना मिली थी एक व्यक्ति बाइक वाला सूचना देके गया था, जो देवली पेट्रोल पंप के पास कच्ची जो रोड पर जो गिट्टी जहाँ बिछी हुई है वहाँ 3 व्यक्तियों का मोटरसाइकिल से स्लिप होने से टोंक में राज टॉकीज रोड पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना बिजली विभाग और अग्निशमन को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों और दमकल ने आग पर काबू पाया। ऐसे में बिजली विभाग और दमकल कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया। अजमेर के नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर कोटा चौराहे के पास एचपी गैस का खाली टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर के लिए राजमार्ग पर जाम भी लग गया। इस दौरान हादसे के सदमे के चलते टैंकर चालक ने टैंकर में गैस नहीं होने पर भी गैस होने की बात कह दी, जिससे लोग यहां वहां हो गए। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस सहित राजमार्ग कर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की हकीकत जानी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि दुर्घटना स्थल से गैस प्लांट मात्र 7 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी गैस प्लांट के अधिकारियों ने मौके पर आने की जहमत तक नहीं उठाई, जिससे लोगों में गैस प्लांट के खिलाफ रोष व्याप्त है। और की सायला पंचायत समिति के एलाना गांव में ससुराल में दामाद की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक 15 दिन पहले युवक पत्नी को लेने ससुराल गया था, लेकिन कई दिनों तक नहीं लौटा तो ससुराल वालों ने जानकारी ली गई, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर परिजनों ने मृतक के पिता को बुलाकर जानकारी दी और ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद ससुराल में युवक के शव की खोज की गई तो कुएं के पास युवक का गढ़ा हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक हंजाराम की 13-14 अप्रैल को हत्या की गई है, उसके बाद कुएं के पास शव को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया, जिससे पुलिस और उसके परिजनों को गुमराह किया जा सके। लेकिन फिर उसके ससुराल वालों ने राज खुलने के डर से मृतक के शव को निकालकर फिर से दूर ले जाकर खड्डा खोदा और उसे दबा दिया, लेकिन पुलिस पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया। राज्यसभा सांसद ओम माथुर राजधानी के चौमू कस्बे में पहुंचे, जहां माथुर ने मगध नगर स्थित अपने निजी सचिव
विजय शर्मा के घर वो पहुंचे और उनके कुशलक्षेम पूछी। आपको बता दें कि ओम माथुर के निजी सचिव चौमू निवासी विजय शर्मा 3 दिन पहले टोंक के देवली में परिवार सहित सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। ऐसे में कुशलक्षेम जानने के लिए माथुर चौमू पहुंचे, जहां माथुर ने निजी सचिव से करीब 20 मिनट तक बातचीत कर घटना की जानकारी ली तथा जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान चौमू क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी विजय शर्मा के घर उनसे मिलने पहुंचे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भगत सिंह चौक पर मुख्य सड़क पर बने गड्ढों की खबर एवन टीवी पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क पर बने गड्ढों को दूर करने के लिए काम शुरू किया। स्थानीय लोगों ने एवन टीवी को धन्यवाद देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन अब सड़क निर्माण का पुनः काम शुरू होने से सड़क पर गड्ढों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजधानी के सांभर में अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को शराब के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी मांगीलाल चौधरी ने बताया कि पंचायत समिति कार्यालय के पास से आरोपी शंकरलाल सेन को 34 पवे शराब के साथ पकड़ा गया, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है।